Hi friends, welcome back. Why Chhatrapati Shivaji Maharaj is important for India? चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज एक चोर थे, डकैत थे, लुटेरे थे, जो अपने से ताकतवर मुगलों से खुले मैदान में लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए वो छुप छुप के वार करते थे. आज भी आपको इंटरनेट पर ऐसे कीबोर्ड वॉरियर्स मिलेंगे जो ऐसे अनएजुकेटेड कमेंट्स करते रहेंगे. गलती उनकी नहीं, गलती हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स की है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान समान है, लेकिन स्टेट बोर्ड के बाहर के हर टेक्स्ट बुक से वो मिसिंग है. हमने हमारे ऑडियंस को पूछा कि क्या आपको स्कूल में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सिखाया? क्योंकि हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक लोकल हीरो बनाए रखा है. लोगों को बचपन से यही पढ़ा है कि मराठा और मुगलों में कोई अंतर नहीं था, दोनों अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, अपने फायदे की देख रहे थे, तो दोनों सेम ही हुए, राइट? डिफरेंस मुगल बाहर से आते भाई. मुगल ज्यादा सक्सेसफुल थे, उनका इम्पैक्ट ज्यादा गहरा था, इसीलिए बुकों में नहीं था, मुझे भी याद आ रहा है. हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में क्या होना चाहिए ये डिसाइड करने वाले हिस्टोरियंस का यही ग्रेट मुगल जी तो लिखा होता था, ग्रेट कुछ करके मुझे याद आ रहा है. तोड़ते हैं फैक्ट्स के साथ, समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं पूरे भारत के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और वो भी सिर्फ तीन पॉइंट्स में, जिनसे उनका इम्पैक्ट सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फैल गया. और उन्होंने बॉलीवुड मूवियों ने बहुत असर किया था, बुक्स नहीं बताती थी. कई लोगों को हमारी बातें अच्छी लगती है, आप हमारे वीडियोस देखते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं. आप ऐसे 60% लोगों ने आज भी उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया. अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है. पॉइंट नंबर वन, शुरुआत इस मैप से करते हैं. आपने इस मैप को हर हिस्ट्री बुक में, हर ज्योग्राफी बुक में तो देखा ही होगा. भारत एक देश ना होता, भारत का ये नक्शा ना होता अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो. सोचिए अगर आज के भारत पर एक तरफ से मुगल, एक तरफ से निजाम, एक तरफ से पोर्तुगीज, एक तरफ से अंग्रेज और एक तरफ से फ्रेंच अटैक करते, तो जिन अंग्रेजों ने हम पर 200 सालों के लिए राज किया वो 17th सेंचुरी में ही भारत पर कब्जा करना चाहते थे. सोचिए उन्हें रोका किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने. अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो पोर्तुगीज और मुगल मिलकर देश को तबाह करते थे. पोर्तुगीज की नेवी बहुत स्ट्रांग थी और मुगलों की इन्फेंट्री. पोर्तुगीज को पानी में हराना इम्पॉसिबल था और मुगल जमीन पर बहुत ताकतवर थे, लेकिन इन दोनों के शक्ति से ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की बुद्धि थी, जिसके दम पर उन्होंने पोर्तुगीज से काफी फायदेमंद संबंध बनाए. छत्रपति को पता था दैट द पोर्तुगीज कैन नॉट बी ट्रस्टेड. वो अपने नहीं है लेकिन उन्हें हमारा दुश्मन बनाना जरूरी भी नहीं है. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने समझौता किया कि पोर्तुगीज मराठाओं के अगेंस्ट मुगलों का साथ नहीं देंगे. यानी अगर छत्रपति ना होते तो अलग अलग कॉर्नर से भेड़िए देश को नोच खाते. पॉइंट नंबर टू, शायद आपने नोटिस किया होगा कि भारत के साउथ में जितने भव्य मंदिर हैं उतने भारत के नॉर्थ में नहीं दिखते. मैंने उस वीडियो में बोला था आइकॉनोक्लाज्म, यानी एक देश की आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश. इसी आइकॉनोक्लाज्म के चलते भारत में कई मंदिर डिस्ट्रॉय किए गए. इसके बारे में हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है. यही सेम प्रोसेस ग्रीस में हुई और ग्रीस का एंशियंट कल्चर खत्म हो गया. लेकिन उत्तर भारत से होने वाले आक्रमण को हर बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने रोका, और सिर्फ रोका ही नहीं, वो न्याय की एक बुलंद आवाज बने. तमिलनाडु में थिरुवनामलाई और समुत्तर पेरुमल ये दो प्रोमिनेंट टेम्पल्स हुआ करते थे, जिनकी प्रसिद्धि भारत के हर कोने में थी. इन्हें तोड़कर लूटा गया और इनके टूटे हुए पत्थरों से मॉस्क्स कंस्ट्रक्ट हुई. दोस्तों छत्रपति की तरह मुझे भी मॉस्क्स के एग्जिस्टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है. हर पंथ के लोगों की छत्रपति ने रिस्पेक्ट की थी, लेकिन एक पंथ को नीचा दिखाकर, गिराकर, लोगों के मन में डर बसाकर ऊपर वाले को खुश नहीं किया जा सकता. ये
शैतान का काम होता है। ये बात छत्रपति जानते थे, इसीलिए उन्होंने मॉस्क्स को गिराकर वहाँ फिर से मंदिर बनाए। मुझे पता है कि कई लोग पूछेंगे कि प्रूफ कहाँ है, तो कर्नाटक राज्यकाल सविस्तर चरित्र पढ़ लीजिए, प्रूफ आपके सामने होगा। पॉइंट नंबर 3, छत्रपति ने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा। अक्सर कई लोगों को हिंदवी स्वराज्य कहने में भी डर लगता है। आज कई लोग सोचते हैं कि हिंदू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ा पाप है। सेक्युलरिज्म के बोझ के तले हम हमारी आइडेंटिटी ही इरेज कर रहे हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्लियर कर दिया था कि ये देश लोकल्स का, हमारा है, आपका है, सबका है। और इस देश की ब्यूटी यही है कि हम हरेक को वेलकम करते हैं। इस वेलकम की जो रिस्पेक्ट करते हैं वो इस देश के अपने हैं, और जो इस वेलकम को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, घूमकर हम पर ही उल्टा वार करते हैं, वो इस देश के एनिमीज हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये बात हमेशा के लिए साफ कर दी थी, इसीलिए आज भी उन्हें एक मैनेजमेंट गुरु के तौर पर देखा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज से और कौन से लेसन सीखने जैसे हैं, हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया, क्योंकि उनकी लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए सच्चाई के पक्ष में ही थी। इसीलिए उन्होंने कभी भी एक वॉर जीतने के बाद औरतों का रेप नहीं किया, घरों को नहीं लूटा, खेतों को नहीं उजाड़ा। हर एक काम जो एक लुटेरा करता है, जो एक चोर करता है, जो एक डकैत करता है, छत्रपति ने नहीं किया। He was the true people's king। यानी उन्होंने इस देश की बाउंड्रीज, इस देश के कल्चर, इस देश के इंडिपेंडेंस के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के आखिरी वाइसरॉय थे, उन्होंने कहा, Had Shivaji been born in England, we would not only have ruled earth, but the whole universe। हिटलर ने कहा कि आपको अगर स्वराज्य चाहिए तो शिवाजी जैसे लड़ना सीखो। इवन उनके सबसे बड़े एनिमी औरंगजेब ने कहा था, या अल्लाह, यू गेव मी एन एनिमी फियरलेस एंड अपराइट, प्लीज कीप योर डोर्स टू हेवन ओपन फॉर हिम, बिकॉज द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड लार्ज हार्टेड वॉरियर इज कमिंग टू यू। तो एक सवाल आज के हिस्टोरियंस से, जिन लोगों का हमारे देश से कोई संबंध नहीं, जो पराए हैं, वो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? पॉइंट ये है कि हर उस इंसान ने जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास गौर से पढ़ा, उसे उनका मोल पता था। वो उन्हें एक लोकल हीरो नहीं, एक नेशनल हीरो ही मानता है। लेकिन फिर भी आज शिवाजी महाराज जीतने वाले नहीं, आज वो हार रहे हैं। ये मुझे तो अपना टाइम याद आ रहा है कि जब स्टोरी बुक कह रही हूँ, हिस्ट्री की बुक में मुगल ब्रिटिश और छोटा सा एक पैरा का मैंने कितनी बार शेयर किया शिवाजी महाराज के ऊपर था, और वो भी सिर्फ गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में डिस्कस करने के लिए। उस टाइम इंटरेस्ट था कि भैया इनके बारे में और बताओ, और जो गोरिल्ला वॉरफेयर का भी था वो इस तरह से दिखाया गया था जैसे कि भैया वो मतलब छुप के वार करते हैं, जो कि गलत है, उस टाइप का उसमें प्रोजेक्ट था। और जब हमने मूवीज देखी, जब बॉलीवुड की हिंदी मूवी देखी, तो उसको देख के इतना इंप्रेस्ड हुए थे। और मुझे अभी तक याद है जब ये हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री में, और ये सब एक ही में था, मतलब उसी एक ही टेक्स्ट बुक में जब हम ये पढ़ रहे थे उस सेम क्लास के अंदर, तो मेरे अंदर यही हुआ था कि भैया मुगल्स हमसे ताकतवर दिखा रहे थे वो, और शिवाजी महाराज को कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बताया, कुछ उनकी ग्रेटनेस नहीं बताई, पर दिल अंदर से, मतलब छोटे बच्चे का आप सोचो, एक छोटा बच्चा यंग एज का, 5th-6th क्लास में होंगे, मेरे जैसे एक छोटा बच्चा जिसको अभी कुछ पता नहीं है इतना, किसी कोई बाहर से इंफॉर्मेशन है, तब अपने आप दिल बोल रहा था कि भैया ये जो हैं, ये कौन है, मुझे इनके बारे में पता करना है, और प्राउडनेस फील हो रही थी अपनापन सोच के कि ये तो अपने हैं। और वो मुगल की जो टेक्स्ट बुक बार बार प्रेस करती रहती तो लगता था यार ये तो बाहर वाला कोई है, ये कौन है, ये इसको ये क्यों आया? मुझे पता नहीं कि आजकल बुक्स ठीक हुई है कि नहीं हुई, पता नहीं, मेरे को अभी तक याद है कि वो दिल में हुआ क्या था। बुक्स में लिखा होता है कि मुगल / उज्बेकिस्तान के लोग वहां से आए थे, उज्बेक ने ये किया था, उज्बेकों ने ये किया था, ऐसे ये हुआ, शिवाजी महाराज ने फिर उज्बेक्स को हराया, बाय बाय, मगर तब तक बैड लक, ब्रिटिश आ गए सुपीरियर वेपन्स के साथ, पोर्चुगीज इतने ग्रेट नहीं थे, पोर्चुगीज ग्रेट फ्रेंच थे, फ्रेंच से ग्रेट जो है ब्रिटिश थे, तो पोर्चुगीज ये कह सकते कि हमसे थोड़े बेटर थे मगर यूरोप के हिसाब से कुछ नहीं थे। तो मगर यहाँ पे वापस इस पॉइंट पे आए तो क्वेश्चन ये है कि हमारे जमाने में बुक्स बकवास थी, वो ठीक है, मगर अब ठीक हुई है कि नहीं हुई, अब तो देख के जाके अब ठीक हुई है, जिसमें क्लियर किया हो कि बाहर से लोग आए थे मुगल, उन्होंने जबरदस्ती लोगों को कन्वर्ट किया, वो सब कुछ उनको कईयों को पैसे की वजह से करा, कईयों को धमकी के मार देंगे कन्वर्ट कराया, ये तो कुछ भी नहीं होता था, तो बिल्कुल भी नहीं ये था। उसके बाद जो है सबके सब उज्बेकिस्तान थे, वो उज्बेकिस्तान से आए थे और उनको जो लोकल भाषाएं तक नहीं पता थी, कुछ नहीं था, फारसी बोलते थे, विच इज
ईरान की लैंग्वेज। मोहम्मद गौरी गजनी ऐसे पढ़ाया था कि मेरे को लगा ये तो बड़ा कोई महान आदमी है। फारसी बोल रहे हैं, उनको उर्दू तक नहीं आती थी, लोकल लैंग्वेज तक नहीं आती थी, इंटरप्रेटर रखते थे, जो लोग जो बर्फान करते थे उनको कन्वर्ट करके बताते थे भाई ये बोल रहा है तो फारसी में। आए इंडिया, रहते इंडिया, फिर लोकल लैंग्वेज नहीं बोलोगे, फारसी बोलोगे क्यों भाई? उन्होंने डिसाइड किया था कि उज़्बेक भी हम करेंगे, हम अडॉप्ट करेंगे ईरान की पर्शियन लैंग्वेज। तो ये अगर एक्चुअली देखेंगे तो पता लगेगा वो लास्ट मूवमेंट तक अपने आप को समझते थे कि फॉरेनर ही इनमें रूल कर रहे हैं। दैट वाज रियलिटी, बुक्स ने नहीं बताया। नहीं भैया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो मतलब बचा लिया हमारा कल्चर, बचा लिया हमारा धर्म, हमारा सब कुछ बचा के रखा। हमारे नीचे सारे जो मंदिर इतने ग्रेट ग्रेट हैं, कुछ भी ना होता जैसे ऊपर के सारे डिस्ट्रॉय करके बैठे हुए थे। और ये तो हमें कहीं भी नहीं पता था कि उन्होंने जहाँ जहाँ मस्जिद उन्होंने तोड़ के, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई थी, वो उनको वापस वहाँ पे मंदिर भी बना रहे थे, ये भी हमें नहीं पता था। बहुत अच्छा काम कर रहे थे भैया। मैं तो देखिए, आप कोई भी अगर हिस्ट्री में वापस जाएँ, जितने जब भी बाहर से लोग आए थे, फर्स्ट वॉर जब होती थी उसमें इंडिया जीतता था। जो भी वहाँ पे पंजाब साइड में जितने राजे हैं, फर्स्ट वॉर में हमेशा इंडिया जीतता था। फिर वो लोग आपस में जुड़ते थे, अंदर ब्रेक करते थे, खुफिया करते थे, फिर अटैक करके दार थे ना वो छोड़ने के बाद, जो हम लोग अपना बड़ा डालते थे अंदर से बोलते तुम राजा बना दोगे ये वो, मतलब छल कपट करके वो जो फर्स्ट वॉर में हमेशा वो लोग हारे। उसके बाद छल कपट कर करके ये कर करके आगे बढ़े तोड़ ताड़ के। बिल्कुल। चलो अभिषेक और मैं अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।